गदर 2 के सक्सेस के बाद सनी देओल की झोली में एक और फिल्म आ गिरी है। सनी ने अब्बास मस्तान की नई फिल्म साइन की है जो बड़े स्केल की फिल्म होगी। सनी देओल आमिर खान संग लाहौर 1947 का शूट पूरा करने के बाद इसकी शूटिंग भी शुरू करेंगे। हालांकि सनी के पास अभी बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 समेत कुछ और फिल्मों के ऑफर्स हैं और अब अब्बास मस्तान के साथ भी एक फिल्म करने की बात चल रही है। तो आइए जानते हैं कि अब्बास मस्तान के साथ सनी किस किस्म की फिल्म करने वाले हैं और इसका टाइटल क्या रहने वाला है ये भी जानते हैं। जी हाँ, जब से सनी देओल ने गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, उनकी चांदी ही चांदी हो गई है क्योंकि फिल्म मेकर्स उन्हें साइन करने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। हर दूसरे दिन कोई न कोई खबर आ ही जाती है जिसमें सनी देओल को नई फिल्म मिलने की बात की जाती है। अब ऐसा ही एक और खबर है, कहा जा रहा है कि सनी देओल के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। ये एक बड़े स्केल पर बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे अब्बास मस्तान डायरेक्ट करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, यानी कि इस बार सनी पाजी एक्शन के साथ साथ थ्रिल भी करते नजर आएंगे। हालांकि सनी देओल ने अभी किसी भी न्यू फिल्म को साइन नहीं किया है, वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे हैं। बस सनी देओल ने आमिर की फिल्म लाहौर 1947 जरूर साइन कर ली है। इसके अलावा बॉर्डर 2 और गदर 3 को लेकर भी चर्चा है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब्बास मस्तान की फिल्म भी आ गई है। जी हाँ, सनी ने ये एक्शन थ्रिलर साइन कर ली है और बताया जा रहा है कि सनी आमिर खान वाली लाहौर 1947 की शूटिंग पूरी जैसे ही कर लेंगे उसके बाद इस नई फिल्म की शूटिंग करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सनी देओल और अब्बास मस्तान की इस एक्शन थ्रिलर को लेकर लंबे वक्त से बात चल रही थी और अब ये फाइनल हो चुका है। इसके अलावा अपडेट ये भी आ रही है कि सनी देओल के अलावा इस फिल्म में 4 और एक्टर होंगे जिसके लिए फिलहाल कास्टिंग चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्शन थ्रिलर को विशाल राणा प्रोड्यूस करेंगे और ये अगले साल यानी साल 2024 के आखिर तक रिलीज होगी। सनी देओल पहली बार किसी फिल्म में अब्बास मस्तान के साथ काम करने जा रहे हैं और इस बात से फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि अब्बास मस्तान ने सनी के भाई यानी बॉबी देओल के साथ जरूर कुछ फिल्में की हैं क्योंकि ये अब्बास मस्तान की मूवी है, इसीलिए इसमें खूब सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होंगे जो फैंस को नेक्स्ट लेवल की सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देंगे। कुल मिलाकर गदर 2 के बाद अब सनी के पास 3 फिल्में हैं जो पहले बनेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब्बास मस्तान के साथ बन रही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर कब तक अनाउंसमेंट होती है और कब इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जाता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना